नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे छह स्टॉक से रिलेटेड। छह स्टॉक में दोस्तों आज का जो सबसे हॉट स्टॉक है तो आप कह सकते हैं कोचिन शिपयार्ड है। दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 20% का आप कह सकते हैं कि सीधा अपर सर्किट लग गया। आखिरी क्षण तक दोस्तों मतलब किस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस कंपनी को मतलब कि आफ्टर स्प्लिट के बाद बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हालांकि दोस्तों क्या बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं बात करूँ। वही पे सोना BLW में आज के दिन कुछ गिरावट देखने को मिली, तो क्या करना चाहिए दोस्तों उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। टालना प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने कल के दिन ही वीडियो बना दिया था किस हिसाब से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। मतलब देखा है तो ट्राई के जो मतलब कि चेयरमैन थे दोस्तों, मतलब आप कह सकते हैं कि उनको कंपनी ने अपॉइंट किया जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। जिनको डिटेल्स वीडियो चाहिए दोस्तों आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा TRC रहेगा, IPL रहेगा दोस्तों, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी रहेगा। तो क्योंकि देखा जाए मतलब कि ये भी स्टॉक एक मल्टी बैगर है, हॉट स्टॉक भी इनको कंसीडर कर सकते हैं। इन तीनों स्टॉक मतलब कि देखिए रिस्की तो तीनों स्टॉक भी हैं दोस्तों। IPL की अगर मैं बात करूँ तो जस्ट अभी भी कंपनी आई हुई है। TRC की बात करें दोस्तों तो मतलब ये थोड़ा रियल इस्टेट को कंपनी बिलोंग करती है, बहुत ही छोटी कंपनी। आइनॉक्स ग्रीन की बात करें मतलब ये भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रिस्की स्टॉक देखने को मिल जाएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि फ्यूचर में अगर किसी में कुछ ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है तो IPL को आप रडार पर रख सकते हैं, उसके बाद TRC को भी आप रडार पर रख सकते हैं कि रियल इस्टेट से रिलेटेड कंपनी काम करती है। आइनॉक्स ग्रीन को भी आप चाहे तो रडार पर रख सकते हैं। स्टॉक हमारा आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी है जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब कि इस कंपनी को फ्यूचर ओरिएंटेड मान रहे हैं। तो हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी एक महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आज भी कंपनी 48% का रिटर्न बना के दे रही है। वहीं पर अगर आप 5 दिन में देखें तो लगभग 10% के आसपास कंपनी में गिरावट देखने को मिल गई है। इस कंपनी का जो हाई था दोस्तों लगभग 150 रुपये के आसपास जाने के बाद स्टॉक में भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो जिन इन्वेस्टर को इससे रिलेटेड डिटेल्स वीडियो चाहिए दोस्तों ऑलरेडी हमने बना दिया है ये कंपनी करती क्या है। तो इस कंपनी के पास आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर का काम तो नहीं कर सकते, फिर भी जो है कि मेंटेनेंस से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि 3800 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी है नहीं दोस्तों, इस पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पी नहीं रहने का मतलब क्या है कि स्टॉक मतलब कि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी आप कह सकते हैं। ऐसा मतलब क्यों दोस्तों, तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आपको लॉस मेकिंग कंपनी ही देखने को मिल जाएगी। तो हालांकि दोस्तों देखिए जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहता है एक साल में 180% अभी तक रिटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब 5 साल की बात करें तो लगभग पैसे को डबल किया। ये भी कंपनी जस्ट मतलब कि अभी अभी आप कह सकते हैं कि मार्केट में आई हुई है, आने के बाद चल नहीं रही थी और अभी देखा है तो रिसेंट में स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, जिनको भी बाइंग करना है दोस्तों देखिए हम कोई भी बाइंग है सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ, लिमिटेड पूंजी के साथ आप जा सकते हैं कि ये कंपनी 40 रुपये से लगभग 150 रुपये तक जाएगी। तो इस स्टॉक में जाहिर सी बात है गिरावट देखिए। हमारा TRC है दोस्तों, TRC की अगर मैं बात करूँ द अनंत राज के नाम से इस कंपनी का नाम है दोस्तों। ये कंपनी दिल्ली बेस्ड नोएडा बेस्ड में मतलब कि काम करती है। इस कंपनी का पहले कुछ और नाम था और अभी देखा है तो मतलब आप कह सकते हैं कि मॉडिफाई किया गया है। ये कंपनी आज के दिन मतलब देखा है तो लगभग 12% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों मैंने बहुत बार वीडियो बनाया, जो रिटेस्टर हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं लगभग 50-40 रुपये से इस कंपनी को हमने कवर भी किया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज के दिन इस स्टॉक में 12% की तेजी देखने को मिली। ये भी कंपनी एक रिस्की कंपनी है तो 5000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। ये भी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों रियल एस्टेट वाली भी कंपनियाँ इससे मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न भी बना के दे रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि द अनंत राज लिमिटेड मतलब इसी की ग्रुप है दोस्तों। आप कह सकते हैं कि TRC भी इसी की ग्रुप मान सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे अगर कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो कुछ भी मतलब इतना स्ट्रांग नहीं देखने को मिल रहा है। तो जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं ब्लाइंडली दोस्तों तेजी को देख करके अगर आप बाइंग करेंगे तो आप फंस भी सकते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप देखेंगे तो एक साल में लगभग कंपनी 311% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे अगर 5 साल की बात करेंगे तो लगभग 700% का रिटर्न बना के दिया है। जो भी तेजी देखने को मिल रही है अभी रिसेंट में ही देखने को मिल रही है, इसके पहले ये भी कंपनी नहीं चल रही थी। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो जस्ट अभी भी ये भी कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, 22 रुपये के आसपास लिस्ट हुई थी, जो कि देखा है तो अभी 170 की प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। मतलब 172 रुपये 90 पैसे कंपनी का हाई है। यहाँ पे देखेंगे तो वही आपको हाई भी देखने को मिल जाएगा। अगला स्टॉक हमारा इंडिया पेस्टिसाइड है दोस्तों। इस कंपनी को चाहे तो अपने रडार पर रख सकते हैं। हालांकि दोनों स्टॉक मतलब रिस्की स्टॉक है दोस्तों, अभी देखा जाए तो मतलब फ्यूचर के बारे में अगर सोच सकते हैं दोस्तों, मतलब अगर आपको थोड़ा सा निवेश करना ही है तो आप चाहे तो इंडिया पेस्टिसाइड के ऊपर दांव लगा सकते हैं। हालांकि दोस्तों स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे किसी भी बात की गारंटी नहीं होती, लेकिन हाँ इस कंपनी में पूरी तरह से पोटेंशियल देखने को मिलती है कि ये कंपनी फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकती है। अभी की बात करें दोस्तों मतलब एक साल में अगर आप देखेंगे तो लगभग 64% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। मतलब ये कंपनी बहुत ही परेशान किया, बहुत मतलब जितने भी रिटेल इन्वेस्टर ने इस कंपनी में IPO के थ्रू मिला, कोई ओपन मार्केट से बाइंग किया, सब दोस्तों इस कंपनी से परेशान थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक में गिरावट, वापस तेजी, फिर गिरावट,
मतलब बहुत दिनों तक परेशान होने के बाद जो भी तेजी देखने को मिली है अभी रिसेंट में ही देखने को मिली है। इस कंपनी की अगर मैं लो की बात करूँ तो 197 रुपये के आसपास कंपनी का लो है और 399 रुपये, मतलब आज ही के दिन आप कह सकते हैं कंपनी का एक नया हाई देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी को मैंने बहुत बार कवर भी किया है, श्याम मेटल्स की बात करें तो भी परेशान कर रहा था और IPL की बात करें तो ये भी परेशान कर रहा था, मतलब दोनों कंपनियाँ अभी देखा जाए तो ऑल टाइम हाई अचीव कर रही है। इंडिया पेस्टिसाइड की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड मैंने हर बार पॉजिटिव कमेंट्री किया है, हर बार जो है कि आपको होल्ड करने की सलाह दी है। ये कंपनी का जो हाई है आप देख सकते हैं 10 जनवरी को ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो पहले स्टॉक में जो है कि वैल्यूम इतना ज़्यादा क्रिएट होते नहीं थे और अभी की बात करें तो एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम क्रिएट हो रहा है जिसमें 37% माल डिलीवरी में उठाया गया है। हालांकि दोस्तों इंडिया पेस्टिसाइड की अगर मैं बात करूँ तो इनके मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलते हैं, मतलब उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ एज ए कंपनी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 63% का स्टेक देखने को मिल रहा है। हालांकि पब्लिक ने ही बाइंग किया, कुछ लोगों को हो सकता है निगेटिव लगेगा, लेकिन हाँ पहले जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मतलब कि ना ही DIs बहुत ज़्यादा ना ही FIs, उसके बाद मतलब कि कुछ लोगों ने सेलिंग भी करके चले गए, जैसा कि अगर आप देख सकते हैं कि अभी लगभग 1.7% के आसपास FIs और लगभग कुछ मतलब कि आपका 0.33% के आसपास मतलब FIs और DIs भी कुछ अपने को देखने को मिले, तो ये थोड़ा सा आप इसको पॉजिटिव भी में ले सकते हैं। वहीं पर अगर मैं कंपनी के बैलेंस शीट की बात करूँ तो सबसे जो मुझे पॉजिटिव लगता है दोस्तों क्या है, कंपनी के ऊपर डेट, प्रमोटर दोस्तों कंपनी के डेट को जो है कि कम करते ही जा रहे हैं और रिजर्व जो है कि बढ़ता ही जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव वे में आप इसको ले सकते हैं। कंपनी के सेल्स ग्रोथ भी कोई ख़राब नहीं है, लॉन्ग टाइम में 3 सालों का देखेंगे लगभग 20% के ऊपर है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ भी इस साल थोड़ा सा आपको माइनस देखने को मिल रहा होगा TTM में, लेकिन हाँ CGR भी कंपनी ने अभी तक अच्छा ही बना के दिया है, रिटर्न इक्विटी भी अच्छा ही है। ऐसे में जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहे दोस्तों आप देखिए करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। अभी देखा है तो एक पूरा केमिकल सेक्टर ही जो कि मतलब स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों, स्ट्रगल की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज केमिकल सेक्टर वाली कंपनियां से ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। हालांकि अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, इनके प्रोडक्ट की बात करूँ तो एक प्रकार से मोनोपोली तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर भी कंपनी करके रखी जिस साइज की कंपनी है। ये कंपनी सिर्फ 4.5 करोड़ की कंपनी देखने को मिलती है और 45 के PE पे 46 के PE पे कंपनी ट्रेड होती हो रही है। हालांकि पूरे अगर मैं केमिकल सेक्टर की बात करूँ तो बहुत ही कम ऐसी कंपनियाँ मिलेगी जो कि आपको लार्ज कैप टाइप की देखने को, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनियाँ देखने को मिल जाएगी। तो जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहे दोस्तों देखिए अगर टॉप पर अगर आप बाइंग करते तो ये स्टॉक हो सकता है मेरे पॉइंट से गिरावट दर्ज करता है तो 350 के आसपास आ सकता है, आने वाले समय ये कंपनी 500 के ऊपर भी ट्रेड होगी। अगला स्टॉक हमारा टालना प्लेटफॉर्म है। टालना प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि 11% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली और इससे रिलेटेड दोस्तों मैंने मतलब कि कल के दिन ही वीडियो बना दिया था, सेपरेट वीडियो बनाया था, मतलब कि स्टॉक में पूरी तरह से पोटेंशियल है और हमने 2000 रुपये का टारगेट भी दे दिया है। मतलब क्या दोस्तों देखिए मार्केट है यहाँ पे ऐसा नहीं कि आज के दिन स्टॉक जो है कि 10% 12% भाग गया तो कल भी भागेगा, नहीं दोस्तों आने वाले समय में कल के दिन हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिले, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले समय ये कंपनी का 2022 जो मतलब कि ऑल टाइम हाई है वो ये कंपनी अचीव करेगी। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि लगभग 5 साल में 4000% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया है। इतनी गिरावट होने के बाद आज भी अगर मैं इसको हाई से कैलकुलेट करूँ ना तो लगभग आप कह सकते हैं कि 40% के आसपास कंपनी आज भी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है। हाँ इस कंपनी में देखा जाए तो मतलब जो न्यूज़ की बात करें क्यों स्टॉक में तेजी है तो कंपनी ने जो मतलब कि ट्राई के पूर्व चेयरमैन थे या पूर्व जो कि मतलब CEO कहिए कुछ भी कहिए एग्जीक्यूटिव कहिए दोस्तों जो भी डायरेक्टर कहिए उनको कंपनी ने हायर किया, आप कह सकते हैं मतलब कि उनको अपॉइंट किया है जो कि देखा है तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है। आज के दिन आप देख भी सकते हैं कि लगभग मतलब 10 से 11% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। 24 जुलाई को कंपनी का हाई है जो कि 52 हाई है, एक्चुअल में कंपनी 2200 यहाँ पे इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूम क्रिएट हुए, लगभग 62 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए जिसमें 22% माल डिलीवरी में उठाया गया। सेकंड जो स्टॉक में तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों तो आपसे बताना चाहते हैं कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो 23 तारीख को कंपनी के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, मतलब कंपनी जो है कि फाइनेंशियल रिजल्ट भी पेश करेगी जो कि 9 तारीख को ही बता दिया था। आप कह सकते हैं कि मार्केट बंद होने के बाद ही आया था खबर तो उसके बाद स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिल रही है। जस्ट अपडेट में देखा जैसे मतलब वो न्यूज अगर आपको चाहिए तो अगला वाला आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं अगर आपको मतलब कि बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है तो आप चाहे तो इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। गिरावट होती थी कंपनी 1000 रुपये तक भी आ सकती है और उसके नीचे भी ट्रेड हो सकती है, लेकिन हाँ आने वाले समय ये कंपनी 2000 के ऊपर भी ट्रेड होगी और 2000 तक जा भी सकती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स में टाइम भी लग सकता है। अगला स्टॉक हमारा सोना BLW है दोस्तों। सोना BLW की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 3.5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। गिरावट के पीछे की अगर मैं रीजंस की बात करूँ दोस्तों तो इतना कुछ खास रीजंस तो आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मतलब कुछ कंपनियां होती है दोस्तों कि ROC ROE बहुत सारे मतलब कि जो उनके रूल्स होते हैं दोस्तों रेशियो होते हैं उसको देखती है, तो इस हिसाब से देखा है तो हो सकता है सिंपली वॉल स्ट्रीट पे जो कि मतलब कुछ रिसर्च किए गए दोस्तों ROC के बारे में
तो उस हिसाब से रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें तो मतलब रिटर्न इक्विटी की बात करें तो उसके हिसाब से देखा थोड़ा सा हो सकता है कंपनी में निगेटिव देखने को मिला हो। लेकिन हाँ दोस्तों, जो मैं मानता हूँ कि मतलब अगर आप कंपनी के 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 13% 14% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। एक साल की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लगभग 50% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दिया था। इस हिसाब से दोस्तों हो सकता है कि छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल गई हो, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिले। तो जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखिए स्टॉक खराब नहीं है। अगर आपके पास मतलब कि थोड़ा सा टाइम है, अगर आप टाइम देना चाहते हैं दोस्तों, तो इस कंपनी को आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर अगर आपको ट्रस्ट है तो आज के दिन स्टॉक में 3.5% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 51% माल डिलीवरी में उठाया गया, 2 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो 4 जनवरी को कंपनी ने 670 रुपये के आसपास हाई लगाया था। इसको भी थोड़ा सा पॉजिटिव भी में ले सकते हैं कि अगर ये कंपनी 600 के नीचे आती है तो थोड़ा सा इसको आप निगेटिव में ले सकते हैं, मतलब कि हो सकता है फिर ये कंपनी 540-550 के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं हाई की बात करूँ दोस्तों, तो कुछ दिनों तक अगर ये कंपनी 600 के ऊपर ट्रेड करती है तो इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि ये कंपनी फिर आने वाले समय 750 के लेवल को भी टच कर सकती है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो कई बार ये कंपनी मतलब कि 600 के लेवल को टच किया, उसके बाद मतलब कि देखा है तो डाउन भी देखने को मिली। तो हो सकता है कि 600 के नीचे आती तो ये कंपनी थोड़ा सा कंपनी के लिए निगेटिव साबित हो सकता है, मतलब टेक्निकली बात करूँ तो। हालांकि दोस्तों ये चैनल ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो टेक्निकली हम बात करते ही नहीं। अगला स्टॉक हमारा कोचिन शिपयार्ड है दोस्तों। कोचिन शिपयार्ड की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, कोई एक पहली बार वीडियो नहीं बनाया। हाँ, जब से कंपनी मतलब कि कॉर्पोरेट एक्शंस अनाउंसमेंट किए थे उसके बाद हमने जो कि इस स्टॉक को कवर नहीं किया, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते, देखिए कोचिन शिपयार्ड की अगर मैं बात करूँ, गार्डन रिच की बात करूँ या मझगांव डक की बात करूँ, तीनों का बिजनेस सेम ही देखने को मिलेगा। ये सारी कंपनी देखा जाए, गार्डन रिच की बात करें या जो कि अगर मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करूँ, तो ये कंपनी थोड़ी सी आपको छोटी कंपनी देखने को मिल जाएगी, मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों। तो इसमें आपको रिस्क तो थोड़ा सा देखने को मिलेगा ही। जैसा कि कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में मतलब कि स्प्लिट अनाउंसमेंट था दोस्तों, जो कि 10 का पहले फेस वैल्यू था जो कि अभी 5 का हो गया है। तो उसके बाद देखा जाए तो मतलब स्प्लिट के बाद इस स्टॉक में लगभग आप कह सकते हैं कि 20% की तेज़ी देखने को मिली है। तेज़ी के पीछे के अगर मैं रीजंस की बात करूँ तो कुछ नहीं, इतना कुछ खास रीजंस भी नहीं कर सकते। बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि प्राइस महंगा होने के बाद मतलब कि वो बाइंग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ छोटा होने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर ने मतलब कि बहुत मतलब एक तरफा बाइंग होने के बाद स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों एक तरफा जब तेज़ी देखने को मिली तो मतलब देखा जाए तो मतलब कि बाइंग तो हुई है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 करोड़ के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें माल कितना दोस्तों मतलब कि उठाया गया सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मतलब मेरे पॉइंट से मेरा मानना है, हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं कि मतलब जो 1400-1500 के प्राइस पर नहीं बाइंग कर सकते थे वही जो है कि आज के दिन बाइंग किए, जो बड़े इन्वेस्टर थे दोस्तों मेरे पॉइंट से ट्रेडिंग करके निकल भी लिए हैं। हालांकि दोस्तों कंपनी करती क्या है तो आपसे बताना चाहते हैं कि सिंपल वे में अगर मैं बात करूं तो तीनों कंपनियां मतलब जो इस कंपनी का कंपटीटर कौन है, यहां पे सबसे बड़ी कंपनी आपको मतलब कि कह सकते हैं कि मझगांव डक देखने को मिलेगी, जो कि डिफेंस सेक्टर वाले जितने भी जहाज रहते हैं दोस्तों, कार्गो जहाज मतलब सबमरीन से रिलेटेड काम करते हैं। लेकिन ये दो जो कंपनी देखने को मिल रही है, अगर मैं गार्डन रिच की बात करूँ या कोचिन शिपयार्ड की, ये दोनों कंपनियां दोस्तों जहाज़ों से रिलेटेड काम करती है। और इनकी अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 1972 से कंपनी काम कर रही है और एक लार्जेस्ट शिप में कंपनी काम करती हुई दिखती है। लगभग 45 शिप देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सपर्टीज़ भी है कंपनी के पास। मतलब देखा जाए दोस्तों तो अब मतलब बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उससे रिलेटेड पैसेंजर जहाज हो चाहे कमर्शियल जहाज हो दोस्तों, उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। गार्डन रिच और कोचिन शिपयार्ड का दोनों का सेम बिजनेस देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, देखिए आने वाले समय ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड मतलब कि बहुत सारे मतलब कि आगे देखा जाए तो मतलब काम होते हुए दिखेंगे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब FIs और DIs भी काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। पब्लिक के पास भी 19% का स्टेक देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है, सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे होंगे कि स्टॉक में मतलब कि देखिए 5 दिन के अगर आपको मतलब आप चार्ट देखेंगे तो आपको 50% 40% डिस्काउंट पे देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये सारा एडजस्ट हो जाएगा जब आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, तो ये चार्ट भी एडजस्ट हो जाएगा। हालांकि कितने दिन में आएंगे तो 1 हफ्ता से 10 दिन आप मान सकते हैं कि स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। वही पे कंपनी में अभी बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो अपर सर्किट लगा है तो आज के दिन तो आपको बाइंग करना नहीं है। सबसे पहले आप अगर 1 हफ्ता मतलब 1 वीक आप चाहे तो थोड़ा सा इंतज़ार भी कर सकते हैं कि स्टॉक में क्या मूव देखने को मिल रहा है, तब जाकर के फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी गिरावट या तेज़ी की बात करें तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1000 के लेवल को भी टच कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।